हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मिनी ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? ठंड तो अभी बहुत ज़्यादा है और ठंड के कारण बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को एक बार बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो बाहर का व्यू, कितना मौसम ख़राब है। 3 से 4 दिन तक तो धूप ही नहीं निकला, इस वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गया है। आप लोग देख सकते हो नज़ारा। मैं ज़्यादा देर बालकनी में रुकूंगी नहीं, क्योंकि ठंड की वजह से मैं भी तबीयत ख़राब हो सकती है। मैं फटाफट चली कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन है और ठंड में तो ज़्यादातर मन होता है कॉफ़ी ही पीने का। आप लोग क्या पीते हो ठंड के टाइम में? चाय ज़्यादा पीते हो या कॉफ़ी? मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ। और हाँ, ये कॉफ़ी ना टाटा कॉफ़ी ग्रैंड, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना, टाटा कॉफ़ी ग्रैंड। मैं जब भी मंगवाती हूँ यही मंगवाती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं फटाफट पहले कॉफ़ी बना लेती हूँ, फिर मैं सोची नहीं कॉफ़ी के साथ कुछ तो स्नैक्स होना चाहिए। तो मैंने मकीन का चीली गार्लिक पोटैटो बाइट्स निकाला, इसे मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। कॉफ़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने दूध लिया। मैं दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाती हूँ जब भी मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, सिर्फ दूध मैं ही कॉफ़ी बनाती हूँ। चाय जब मैं बनाती हूँ तो उसमें दूध में पानी डालती हूँ, बट कॉफ़ी में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फीका लगने लगता है जब आप पानी डाल के कॉफ़ी बनाओ। तो दूध वाली कॉफ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है पीने में, तो ऑलवेज मैं कॉफ़ी ऐसे ही बनाती हूँ। तो साथ ही मैं चिली गार्लिक पोटैटो भी डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो ये हमारा इवनिंग का स्नैक्स बन के रेडी हो चुका है। मैं इसे लेके चलती हूँ अपने हस्बैंड के पास, जो कि इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे ये महानुभाव तो टीवी में लगे। चलो कोई नहीं, साथ में स्नैक्स का एंजॉय लेते हैं। ये देखो मेरे हस्बैंड देख के ही खुश हो गए, कॉफी के साथ स्नैक्स, वाह क्या बात है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? चलो फिर तो ठीक है, साथ में पिया जाए। आज हमारे डैडी का भी बर्थडे है, तो सोचा वीडियो कॉल पर हमें विश किया जाए, साथ में केक कटिंग भी हो जाएगा। ये हमारे मम्मी और डैडी है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा मिनी ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।